देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बाराबंकी में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कटरा बारादरी में एक जनसभा की थी, जिसमें ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को रामसनी गेट मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। बता दें कि यह मुकदमा नगर कोतवाली के सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया। इससे पहले बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश चंद शर्मा ने भी ओवैसी और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ FIR कराए जाने की मांग अपर मुख्य सचिव ग्रे के पत्र में लिखकर दी थी। विधायक ने अपर मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि कटरा मल्हा में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनी गेट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया, जो निंदनीय है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जबकि अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया, इसके लिए इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जिस तरह से ओवैसी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में और बयानबाजी कर रहे थे, भाषण दे रहे थे लंबे चौड़े, वो भाषण अब उन पर भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर मुकदमा यह दर्ज किया गया है कि उन्होंने यहां पर हिंदू मुस्लिम जो आपसी सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश की है, धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उन्होंने अपशब्द बोले हैं। तो ऐसे में FIR दर्ज हो गई है, यानी ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओवैसी यहां पहुंचे और भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए हैं, जनसभाएं हुई, लेकिन यह जनसभा करना ओवैसी पर भारी पड़ गया है। आज दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें COVID-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं श्रावस्ती के थाना मलहीपुर के ग्राम परसोहना निवासी 13 वर्षीय किशोर की नाले में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि बुधवार दोपहर को किशोर भकला नाला के पास मवेशी चराने गया था, जहां वो नाले के पुल के पास नहाने लगा। जानकारी के मुताबिक इन दिनों बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिसके चलते किशोर नाले में डूबने लगा। हालांकि किशोर की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, पर गहराई होने के कारण किशोर डूब गया। वहीं स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कृपा त्रिपाठी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से नाले में खोजबीन शुरू की गई, पर रात हो जाने के चलते किशोर का कुछ पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि परसोहना ग्राम श्रावस्ती और बहराइच के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसके बाद ANDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद टीम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब दोपहर 1 बजे किशोर का शव बरामद कर लिया। मामले में किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का लेकिन रो रो कर बुरा हाल है। तो श्रावस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर नाले में डूबने से किशोर की जान चली गई। आपको बता दें कि इन दिनों भारी बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। अमित कुमार वर्मा नाम है, कक्षा 6-7 में पढ़ रहा होगा।
और 12:30 बजे स्कूल से छुट्टी हुई है। इसके बाद वो आया है घर और भैंस चराने आया था, उसी से डूबकर मौत की है उसकी। मतलब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जानकारी खोजबीन कुछ कर रहे हैं? पुलिस वाले जब से उनको सूचना मिली है तब से दोनों थाने की पुलिस, मल्लीपुर की भी और नवाबगंज की भी, दोनों पुलिस थी और काफी खोजबीन कराया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर को अगर क्राइम सिटी कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि कानपुर देहात में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले में पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, पर आरोपी अभी भी फरार है। पीड़िता के मुताबिक स्कूल जाते समय उसके क्लास का ही यावर नामक युवक उससे छेड़छाड़ किया करता था, और जब छात्रा ने आरोपी से पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि मैंने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया, जिसके बाद रात में उसने किसी चीज से हमला कर दिया। वही मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, आए दिन चोरी, डकैती, लूट, छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ताजा मामला जहां पर मंचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि छात्राओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। यह ताजा मामला सामने आया है जहां पर छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल छात्रा स्कूल जाती थी तब एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता था और धमकी देता था कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देगा। छात्रा ने कई बार अनसुना किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि एक दिन सच में उसके ऊपर वो युवक हमला कर देगा। मेरे बहन के साथ ही वो पढ़ता था सर, तो इसके बाद 2 महीने पहले मेरी बहन को इसने धमकी दी थी फ़ोन से कि अगर तुम बात नहीं करोगे तुमको मैं जान से मार दूंगा। इसने ये बात की, मेरी बहन ने गौर नहीं किया, मैं चापड़ से काटूंगा तुमको। तो इस बात को किसी ने गौर नहीं किया। इसके बाद इसने परसों की रात में हमारी बहन को मतलब चापड़ से इसने 4-5 बार बार किया। जब ये बाथरूम के लिए निकली 12:30 बजे घर पे ही, मतलब बाथरूम के लिए निकली तभी इसने वहाँ पे बार किया। इसके बाद जैसे मतलब बार करने के बाद ये कमरे को भगी एकदम से, तो ये कूद के भग गया। बस बात ये थी। और इसके आगे पुलिस में शिकायत करना? हाँ, पुलिस में मैंने कल शिकायत करने गए तो उन्होंने मेरा मुकदमा, हाँ मामला दर्ज हो गया। मैं जब आज SP ऑफिस के पास सर के पास गई तब उन्होंने मतलब अरेस्टिंग ऑर्डर के लिए बोला है, तो उन्होंने कहा कि आज से कल तक उसको अरेस्ट करेंगे। 2 महीने पहले मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, मुझे छेड़ते अड़ता था तो मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने बोला हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, तो उसने बोला अगर पुलिस में कंप्लेन करोगी तो हम तुम्हें काट डालेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हें काट के जाएंगे जेल। तो फिर हमने गौर नहीं किया, हमने सोचा ऐसे गुस्से में बोल रहा होगा। फिर 2 महीने बाद हम रात में 12:30 बजे टॉयलेट करने के लिए उठे, तो जैसे हम टॉयलेट करके पैक हुए तो उसने मेरे ऊपर सर में बार किया कम से कम 3-4 बार। थाना गजनेर क्षेत्र में एक सरवनखेड़ा ब्लॉक के परिसर में रहने वाली एक युवती ने आकर ये सूचना दिया कि मेरी बहन को एक लड़के ने चापड़ से हमला करके घायल कर दिया है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब लड़की की हालत सामान्य है। इसमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस संबंध में जानकारी मिली है कि दोनों लड़का और लड़की दोनों एक साथ एक डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ समय से आपस में इनमें मतभेद चल रहा था और इसी क्रम में आपस में झगड़ा होने पर उसने चापड़ से हमला किया है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया है। लड़की के घर पर और हॉस्पिटल में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थिति सामान्य है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर ही क्यों, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में जंगल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर इलाके का है। मृतका की पहचान गांव निवासी बबीता के रूप में हुई है। ग्रामीण के अनुसार महिला जंगल से चारा लेने गई थी और जब वो दोपहर तक वापस नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद महिला का शव जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ मिला। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है।
क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। ऑपरेशन क्लीन, प्रहार 2, तमाम ऐसे ऑपरेशन हैं जो लगातार पुलिस चला रही है, लेकिन दबंगों में, अपराधियों में खौफ नहीं बना पा रही है। अगर 2 साल पहले की मैं बात करूं तो 2 साल पहले अपराधियों में खौफ था, अपराधी खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भले ही लाख दावे और वादे किए जाते हों, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि क्राइम कम हो, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठा है और इसी वजह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो कानपुर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, गोरखपुर हो, सीएम सिटी में भी क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी की मैं बात करूं तो वहां पर भी क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से जो महिलाएं हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, वो घर से बाहर निकलने से डर रही है। ताजा मामला बिजनौर से सामने आया, जहां पर पेड़ से एक महिला का शव बना मिला और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नारगाड़ के पत्ता छुटाना है नारग बांधने के लिए जी, फिर लड़की ने हमारी आवाज़ मारी, वो लड़की ये बोली नहीं, उनने जाके घर बताया हमसे जी। हम आए तो हमने ढूंढी ढांडी सारे खेतों में, हमने तो यहाँ पेड़ के नीचे फांसी लगा के बांध के ये रखी, ये ना हमारे गांव वाले बहुत सारे आदमी ने देख जी, भाभी है मेरी। क्या नाम है इनका? इनका बबीता नाम है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे हैं, एक लड़की जवान है, 3 बच्चे छोटे। इसके बारे में बताया जा रहा है, ये बबीता पत्नी सर्वेश हैं, जाटो हैं। इस वे बताया जा रहा है कि 9:30 बजे घास काटने आए थे अपने बेटे का, तो कुछ घास काट के बेटे को करीब 11 बजे वापस कर दिए हैं। तो ये कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, जब ये नहीं आए हैं तो लोग इनको इनकी खोजबीन करने लगे, तो ये राम कुमार के और मुस्कीम के खेत हैं गन्ने को, उन्हें बीच से मेड़ गया है, मेड़ के बगल में एक पेड़ है पॉपुलर का, उसी में ये बंदी मिली, इनके गला करके बांध दिया गया था और संभवतः गला कटने से इनकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृश्य देखने में ये हत्या प्रतीत हो रही है, इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर दिया। और अब आपको लखीमपुर फिरी लिए चलते हैं, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस द्वारा थारू महिलाओं को बॉर्डर पर रोकने पर थारू महिलाओं ने जमकर हंगामा काट दिया। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल सीमा के गौरी फंटा बॉर्डर का है, जहां पर थारू महिलाएं नेपाल में साइकिल से सब्जी बेचने जा रही थी, जहां नेपाल सीमा में प्रवेश करते ही नेपाल पुलिस ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए इन महिलाओं को प्रवेश करने से मना कर दिया, जिस पर सैकड़ों की तादाद में मौजूदा थारू महिलाओं ने कहा कि रोजाना भारत से नेपाल रोजमर्रा की चीजें जाती हैं, जिसे नेपाली प्रशासन नहीं रोकता, और सब्जियों में कोरोना संक्रमण की बात के थारू जनजाति की महिलाओं को नेपाल प्रशासन का रोकना पूरी तरीके से गलत है, जिसको लेकर थारू महिलाओं ने नेपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाम लगा दिया और जंकम हंगामा करती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं इस मामले की जानकारी जब व्यापारी नेता और पलिया जिला बनुआ मंच के संयोजक रवि गुप्ता को हुई, तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी और एसपी से फोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी दी, जिस पर नेपाल के अधिकारियों ने दोबारा ऐसी घटनाओं को ना होने का आश्वासन दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। थारू महिलाएं यहां पर सब्जी बेचने के लिए जा रही थी साइकिल लेकर, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद वो हंगामा करने लगी और वहां पर जाम लगा दिया। कल गौरीफंटा बॉर्डर पे एक छोटी सी घटना हुई है, इसकी मुझे जानकारी मीडिया के द्वारा हुई कि हमारी कुछ थारू जो महिलाएं सब्जी बेचने का कार्य करती नेपाल जाती हैं, उनके साथ कुछ वहां के जो भी बॉर्डर फोर्स के जवान हैं उन्होंने कुछ अभद्रता की है। मैंने अभी तत्काल नेपाल जनगढ़ी कैलाली के डीएम और एसपी से वार्ता की है और मैंने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह संज्ञान ले चुके हैं, उनके नॉलेज में ये बात है, वह इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और आइंदा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। मैं सदैव अपने भारत क्षेत्रवासियों के साथ में हूँ, किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं संभल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लटका मिला, जिसकी जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक युवक को गांव के एक परिवार द्वारा झूठे मामले में मारा पीटा गया, जिससे बेइज्जती होने के कारण युवक ने खुदकुशी कर ली। दरअसल गांव के ही एक युवक पर पड़ोस के गांव की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है और आरोपी युवक और मृतक मनोज के बीच
अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। आरोप है कि युवक और युवती के परिजन काफी समय से मृतक मनोज को परेशान कर रहे थे। इसी कड़ी में 7 सितंबर को आरोपियों ने मनोज के साथ मारपिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने भी थाने में उसको प्रताड़ित किया था, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया। वहीं जब वो गांव आया तो फिर से आरोपियों द्वारा उसके साथ मारपिटाई की गई, जिससे परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिले के गुन्नौर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गौवंशीय पशुओं को लेकर प्रदेश सरकार भले ही कितनी संवेदनशील हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश भर में गौवंशीय पशुओं की स्थिति दयनीय है। गौशालाओं में देखभाल के अभाव में गौवंशीय पशु दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं आवारा घूम रहे पशुओं की जिंदगी बदतर हो रही है। कल तक गौवंशीय पशुओं के लिए छाती पीटने वाले तमाम संगठन और गौरक्षक अब आंखें मूंदे बैठे हैं। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए या सरकारी व्यवस्थाओं को, शायद इसका जवाब मिल पाना मुश्किल ही हो। लेकिन आज के समय में गौवंशीय पशुओं की दुर्दशा दयनीय है। ऐसी ही तस्वीरें संभल से सामने आई है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहां अलीगढ़ बरेली के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश पशुओं की मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। इसकी जानकारी लोगों को हुई तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं किसान यूनियन ने भी ट्रेन चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर मृतक पशुओं के जो शव थे वो ट्रैक से हटवाए और जेसीबी की मदद से ट्रैक के पास ही दफना दिए। वहीं कोई भी अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर तमाम वादे तमाम दावे किए जा रहे हैं। अलग से बजट पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंशों की गायों की हालत इतनी दयनीय है कि कहीं पर भूख से गाय और गौवंश तड़प रहे हैं तो कहीं ट्रेन से कटकर उनकी जान चली जाती है। कानपुर देहात में सिर्फ छेड़छाड़ बलात्कार ही नहीं होते, बल्कि यहां पर दबंग पूरी तरीके से दबंगई दिखाते हैं। जी हां, कानपुर देहात के कस्बा रनिया में दबंगों का कहर जारी है। यहां पर घर में घुसकर दबंगों के मारपीट करने का मामला सामने आया। साथ ही दबंगों ने करीब 20 राउंड फायर भी किया है, जिससे कस्बे में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने को लेकर ठेकेदार और व्यापारियों के बीच मारपिटाई हुई थी। वहीं मामले में चौकी पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई की और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया, जिसके बाद रात में दबंग ठेकेदार ने दर्जनों लोगों के साथ कस्बे के व्यापारी के घर पर हमला बोल दिया और घर में घुसकर मारपिटाई भी की है। जमकर फायरिंग की। दबंगों के जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र की चौकी रनिया क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर बाइक पर सवार होकर दबंग पहुंचते हैं, घर में घुसकर मारपिटाई करते हैं और आसानी से बाहर निकलकर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक शख्स हाथ में पिस्तौल लेकर फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि यहां पर 20 राउंड फायर किया गया है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यानी ये कहा जा सकता है कि कानपुर देहात में लगातार जो अपराध है उसकी सीमा नहीं है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इन तस्वीरों में भी साफ नजर आती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं और इतने बुलंद कि घर में घुसकर 3-4 दबंग मौके पर पहुंचते हैं, मारपिटाई करते हैं, फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पास में ही किसी शख्स ने यह वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पुलिस भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन दबंगों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है। तो कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। दबंगों ने व्यापारी के घर में घुसकर मारपिटाई की है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये तमाम तस्वीरें कानपुर देहात से सामने आई है। कानपुर देहात इस समय अगर अपराध की बात की जाए तो अपराध में टॉप पर बना हुआ है। कानपुर देहात में लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो डकैती हो, लूट हो, बलात्कार हो
या फिर दबंगई करना हो, फायरिंग के वीडियो सामने आने हो, ये तमाम तस्वीरें लगातार कानपुर देहात से सामने आ रही है। ये कहा जा सकता है कि वाकई पुलिस भले ही लाख दावे करती हो या पुलिस ये कहती हो कि हम पूरी तरह से क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्राइम पर से कंट्रोल और अपराधियों पर से पुलिस का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें कानपुर देहात की आप देख सकते हैं कि एक एक करके दबंग जो है घर में घुसते हैं, मारपिटाई करके बाहर निकल आते हैं और आसानी से एक के बाद एक राउंड फायर करके मौके से फरार हो जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर देहात में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सामने आया है, तस्वीरें तो कुछ अलग ही हैं, रोंगटे खड़े कर रही है। क्या तो ये अकबरपुर थाना क्षेत्र के चौकी कस्बे की मामला है, जहां पे चौकी से कुछ दूर पूर्व ही पाइपलाइन बिछाने को लेकर व्यापारी और ठेकेदार के बीच में कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पे मारपीट हो गई। मारपीट के बाद ये मामला पुलिस चौकी पहुंचा है, तो पुलिस चौकी में पुलिस वालों ने कोई ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई तो नहीं किया, ना ठेकेदार के गुरु को मारपीट करने वालों के ऊपर कार्रवाई की, बल्कि व्यापारी पे ही प्रेशर डाल करके समझौता करा दिया। समझौते के बाद रात में दबाव बनाने के लिए वह अपनी दबंगी दिखाने के लिए ठेकेदार 20 साथियों के साथ गया है गाड़ी पे बैठ के और घर पे लाठी डंडे पटके हैं। वह 20 राउंड फायर भी किए हैं, जिसमें आप फोटोज में वीडियोज में साफ तौर से देख सकते हैं कि ठेकेदार के आदमी किस प्रकार से ठेकेदार बाहर निकल रहा है और पिस्टल से फायर कर रहा है। पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि इस तरह से पूरे इलाके को दहला दिया गया है, एक के बाद एक 20 राउंड फायर किया गया है, पिस्टल कहां से आई है, बंदूकें कहां से आई और हमला किया गया है इतना बड़ा और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। क्योंकि अगर आज इस व्यापारी के घर पर दबंग हमला बोल रहे हैं तो आने वाले समय में और आतंक मचा सकते हैं। जी 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 काजोल जी, ये बिल्कुल बात सही है। अब जैसे इस मामले पे और वीडियो को लेकर जब पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि वीडियो के आधार पे जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पे इसकी कोई बयान पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया है। वीडियो के आधार पे ही जो है पूरी जाँच करी जा रही है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानपुर देहात का ये पूरा मामला। वहीं सिद्धार्थनगर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बासी तहसील क्षेत्र के SK मैरिज हॉल में वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी खतरे में है, यहाँ का किसान नौजवान परेशान है, बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, प्रदेश में बढ़ती विषमता और अराजकता को रोकने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आने वाले 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार बनेगी, हमारा लक्ष्य 351 सीटें जीतना है, हमें पूरे प्रदेश में समर्थन मिल रहा है। नौजवानों के उत्साह को देख कर कह सकते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आजादी के महानायक, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी में किसानों को लामबंद कर बारदोली का खेड़ा का आंदोलन खड़ा करके, चंपारण में गांधी जी के आंदोलन का समर्थन करके, नुनारा में लागान बाद विरोधी आंदोलन का समर्थन करके, रायबरेली में 700 किसानों की जो अंग्रेजों ने हत्या की थी, शहीद किए थे, उनको लेकर इस देश की आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी और देश के किसानों ने इस देश को आज़ाद कराया, नौजवानों ने आज़ाद कराया। और आज़ादी खतरे में है, आज़ादी खतरे की वजह से आज हम सारे लोग, नौजवान किसान, हम परेशान हैं। वही सिद्धार्थनगर के ही डुमरियागंज विराट मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंत्री का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोग जन आंदोलन का हिस्सा बने और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोगी की भूमिका निभाए। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, जहां पर प्रदेश के विकास की तरफ ले जा रहे योगी, ऐसे तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।